बड़ा गजब काम हो रहा है, हर दिन सागर बदनाम हो रहा है। मैं ब्रह्मदत्त दुबे हूँ, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव के बिगुल बज चुके हैं। कांग्रेस ने अपना टिकट तय कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के पास कई दावेदार हैं, ऐसे में किसे टिकट वो देगी अभी तय नहीं हुआ है। भोपाल में मीटिंग चल रही है, तमाम मीटिंग होंगी, उसके बाद टिकट आएगा। लेकिन हम मध्य प्रदेश के सागर के उस लाखा बंजारा झील में खड़े हैं जहां सागर का ये सबसे बड़ा दिल है, सबसे बड़ी इससे लोगों को मोहब्बत रही है, सबसे बड़ा ये सागर का मुद्दा है। मुद्दा सागर का तालाब है, लाखा बंजारा झील जो कहलाती है। हम उसके दर्शन कराएंगे लाखा बंजारा झील के, कि बहुत कम बीच यहाँ तक लोग आ पाए हैं, हम बिल्कुल बीच तालाब में खड़े हैं। क्या दुर्दशा बनाई है इस तालाब की, थोड़ा तस्वीरें देखें, काम प्रगति पर है। और यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि नगरीय निकाय में किसको वोट दी जाए, ये सरकार की जानिब से काम हो रहा है। मुख्यमंत्री आए थे, तारीख मुकर्रर हुई थी कि फलां डेट तक ये काम सुरक्षित कर लिया जाएगा, और आप देख सकते हैं कि किस कदर ये, फिर बारिश का वक्त आए, एक दो दिन में बारिश आ जाएगी, और आप देख रहे हैं घास फूस किस तरीके से यहाँ उगा हुआ है। यानी अगर आंकड़ों की हम बात करें तो बहुत अरसे पहले जब सागर के महापौर अवैध अरे थे तो उन्होंने 9 लाख रुपए में 38 डंपर यहाँ मिट्टी खाली करवाई थी, 400 ट्राली और मिट्टी यहाँ से खाली हुई थी, यानी 9 लाख रुपए उसकी कीमत थी। अब हम यही काम अगर देखें कि 2.5 साल से अब नगर निगम में कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, तो स्मार्ट सिटी कैसा काम करवा रही है, उसकी वानगी ये है कि यहाँ 6 लाख क्यूबिक मिट्टी फेंकी गई, यानी 50,000 डंपर मिट्टी, जिसकी कीमत है 34 करोड़ रुपए। 8-9 करोड़ रुपए में यहाँ का पानी खाली करवाया गया। ये आंकड़े कहते हैं, हम नहीं कहते, ये कागजात कह रहे हैं। बल्कि जब अवैध दरे की जन भागीदारी से इस तालाब को खाली करवाया था तो महज 3,80,000 रुपए में ये पानी खाली हो गया था। लेकिन जब नगर परिषद, नगर निगम का परिषद भंग हो गया, नगरी निकाय के चुनाव की तारीखें आ गईं, उसके बाद चुनाव टल गए, लेकिन जब स्मार्ट सिटी स्वतंत्र हुआ और सिर्फ उस पर विधायक जी का सिक्का चलता था, तो ऐसे में ये तालाब जब खाली हुआ तो उसकी कीमत थी 8 करोड़ रुपया, यानी 8 करोड़ रुपए में यहाँ का पानी निकाला गया। बहुत गजब बात है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि सागर में काम बड़ा हो रहा है और सागर हर दिन बदनाम हो रहा है। तो आप तस्वीर देख रहे हैं लाखा बंजारा झील की, क्या दुर्दशा बना दी है इस झील की। ये सबसे बड़ा मुद्दा नगरीय निकाय चुनाव का है। हम हर दिन एक आपको मुद्दे से रूबरू कराएंगे। आज हमने चुनावी बिगुल बजाया है और हम ये सोचते हैं कि जनता के सामने वो सारे मुद्दे हों तो जनता हमें सुझाव दे। लेकिन आज हमारे पास जो सबसे बड़ा मुद्दा था, जिससे हमारी सागर की जनता हमसे हर रोज कह रही थी कि इस मुद्दा को हवा मिलना चाहिए, तो निश्चित तौर पर हम सागर की जनता को यह आगाह कर रहे हैं कि आप तस्वीरें देखें। हम बीच तालाब में खड़े हैं, जो सागर का गौरव था, जो सागर का सिर उठाने का गौरव था, जो सागर की शान था, जिसे लोग लाखा बंजारा झील कहते हैं, आज सूखी पड़ी है क्योंकि तालाब खाली हो गया है। और तालाब की आप दुर्दशा, ये कॉरिडोर बन रहा है, ये यहाँ से एक कॉरिडोर बन रहा है, इसमें कनेक्टिविटी जोड़ी जाएगी, चकरा घाट तक ये जाएगा, ये कॉरिडोर बन रहा है, बाकायदा ब्रिज बन रहा है तालाब के बिल्कुल बीचों बीच। इसकी जो टोटल लागत है वो अलग है, लेकिन तालाब का जो ठेका है वो तकरीबन 100 करोड़ का है। 100 करोड़ में तालाब की सफाई का जिसको भी ठेका मिला हो, भगवान कसम पेल कर खाया है, इतना पेल कर खाया है कि हम बता नहीं सकते। और जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ, इसकी बहुत व्यापक जांच होनी चाहिए, और व्यापक जांच इसलिए होनी चाहिए कि सागर की जनता का तालाब है, किसी के बाप का तालाब नहीं है, ये सागर की जनता का तालाब है। कोई भी ठेकेदार हो, कोई भी निगम और स्मार्ट सिटी हो, तुम सरकार के पैसे खर्च नहीं कर रहे,
तुम जनता के पैसे खर्च कर रहे हो, जनता जो टैक्स देती है उसका ये पैसा है। पाई पाई का हिसाब होना चाहिए, बात पूरी मुकम्मल होनी चाहिए। इसीलिए हम नगरी निकाय के चुनाव को लेके सागर के उस सबसे बड़े मुद्दे की ओर आपको ध्यान आकर्षण करवा रहे हैं कि ये तालाब की दुर्दशा है। सागर की शान के ये विपरीत काम हो रहा है। आप बिल्कुल थोड़ी देर तक बिल्कुल कैमरा पर्सन से कहेंगे कि थोड़ी देर बहुत इत्मीनान से तालाब के दर्शन जरूर करवाएं। ये दुर्दशा सागर के बीचों बीच सरकारों ने कर दी है, स्मार्ट सिटी ने कर दी है। देखिए आप तस्वीरें, तो हम हर दिन आपको उन मुद्दों से रूबरू कराएंगे जो नगर निगम चुनाव को प्रभावित करेंगे, जनता के दरबार में हम ध्यान आकर्षण करवाएंगे, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, जनता ही भाग्य का फैसला करती है, जनता ही सरकारें बनाती है, जनता ही नेताओं को बुलंदी पर पहुंचाती है, जनता ही विधायक बनाती है, जनता ही मंत्री बनाती है, और जनता ही अर्श से फर्श पर आदमी को बिठा देती है। बात एक वोट का कमाल है, अगर जनता की नज़र से उतर गए तो यकीन जानिए कि आप कभी सियासत और राजनीति करने के लायक नहीं रहेंगे। तो जनता से हम निवेदन करेंगे कि इस तालाब के लिए आप ज़रूर वोट करें, जो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या वो कांग्रेस का हो। जब आपसे ये वादा करें कि हम तालाब के लिए 1% की बेईमानी नहीं करेंगे, तो उसी को आप वोट करें, चाहे वो कांग्रेस से हो चाहे भारतीय जनता पार्टी से हो। हम फिर आपसे कहेंगे हम किसी की वकालत या मुखालफत नहीं कर रहे। हमारा तो सिर्फ उद्देश्य है कि जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो मध्य प्रदेश के सागर की जो धरोहर है उसकी रक्षा कर सके। हम नेताओं से कुछ अपेक्षा नहीं करते, ना ही किसी पब्लिक को अपेक्षा करनी चाहिए, लेकिन जो हमें कुदरत ने दिया है उसकी अगर सुरक्षा ना हो सके तो सवाल बहुत खड़े होते हैं। कैमरा के पीछे थे शंकर विश्वकर्मा और वसीम कुरैशी, मैं हूँ ब्रह्मदत्त दुबे, और आपको हर रोज़ उस नए मुद्दे से रूबरू कराएंगे जो जनता के हित में है। उनके हित में इसलिए है क्योंकि यही हमारी आन बान शान है, जिसे लाखा बंजारा झील कहते हैं, जिसकी आज दुर्दशा ऐसी है कि सागर की जनता आंसू बहा रही है। फर्स्ट किराए शोरूम, यहां आएं और पाएं ऑनलाइन ऑफर्स के साथ बच्चों के दैनिक उपयोग की एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स की संपूर्ण श्रृंखला। हमारा पता है HDFC बैंक के पास, जबलपुर रोड, मकरोनिया।